नमस्कार। ऐसे इंसान को हराना नामुमकिन है, उसको आप किसी भी हालत में नहीं हरा सकते हो। जिस इंसान के पास में ये तीन चीजें वो रखता हो, उस इंसान को आप चाहकर भी नहीं हरा सकते। कितने ही चाहे बड़े संघर्ष आए, कितने ही बड़ी मुश्किलें आए, वो इंसान निकल जाता है आगे, जो अपने पास ये तीन चीजें रखता। आपको भी जीवन में असफलता मिलती होगी, आपको जीवन में कठिनाइयां मिलती होगी, लेकिन ये तीन चीजें अपने पास रख लेना, आप किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप हारोगे नहीं। आप वापस उठ खड़े होंगे, आप वापस चलने के काबिल हो जाओगे, और आप वापस सफलता पाने के काबिल हो सकते हो। आपके मन में, आपके पास में बस ये तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, उम्मीद। जी हां, इंसान कब हारता है, इंसान कब थकता है, इंसान कब टूटता है, पता है आपको? इंसान मेहनत से नहीं टूटता, इंसान कोशिश करने से नहीं टूटता है। इंसान टूटता है, इंसान हारता है, तो तब हारता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है। इंसान मेहनत चाहे कितनी भी कर लेगा, कोई डर नहीं, लेकिन अगर जब उसकी उम्मीद टूट जाए ना इंसान की, तो ना तो उससे मेहनत होगी, ना उससे और कुछ कार्य होगा, और उससे कुछ नहीं होगा। कितने भी बड़ी आपकी राह में बाधा आए, या कितनी ही बड़ी मुश्किलें आए आपके जीवन में, लेकिन उम्मीद मत छोड़। इतिहास गवाह है, जिस जिस इंसान ने उम्मीद रखी ना, वो इंसान इस दुनिया से कभी नहीं हारा है। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना जीवन। सेकंड, कर्म। कर्म का साथ मत छोड़ना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधान बताया है। कहते हैं कि आप अगर लगातार मेहनत करें, और अगर लगातार असफलता मिल रही है ना, तो भी अगर आप कर्म करते रहोगे ना, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपके मन में कर्म का साथ है। आप कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ते हो, और जो इंसान कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ता है ना, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता है। थर्ड, प्रभु का साथ, प्रभु से प्रार्थना। अगर आप उम्मीद, कर्म बराबर कर रहे हो, बराबर मेहनत कर रहे हो, साथ में आपकी प्रार्थना भी हो रही है, आप प्रभु से का साथ भी रख रहे हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। ये तीन चीजें अगर आपके मन में है ना, उम्मीद, कर्म और प्रभु का साथ, दावा है मेरा आपसे, आप जीवन में कभी नहीं हारोगे। कितनी ही बड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन एक पल में आपको प्रभु का साथ नजर आएगा, आप वापस उठ खड़े होगे। एक पल में अपनी उम्मीद नजर आएगी आपको, आप वापस खड़े हो जाओगे। एक पल में आप कर्म करोगे, तो वापस आपको कर्म करने का जज्बा पैदा होगा, और आप वापस उठ खड़े होंगे। जब संकट आए, जब मुश्किल आए, जब आप बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए, बस कुछ मत करना, ये तीन चीजें याद कर लेना, उम्मीद, कर्म और प्रभु का साथ। आप जीवन में कहीं नहीं रुकोगे, और आप सफलता तक अवश्य पहुंचोगे।